और मैं एक्चुअली हूँ झारखंड से, रांची से, और मैं जब यहाँ पे भी आया, ऐसे तो आया था मैं माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए आया था, लेकिन जब मैं रास्ते में भी आ रहा था ना, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को तो बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ये सब इतनी अच्छी नेचुरल जगह है ना, गवर्नमेंट को इतने सारे इधर काम करने बाकी हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं तो यही गवर्नमेंट को बोलूँगा कि भाई आप जो है सरकार, जो भी यहाँ की सरकार है या जो भी केंद्र सरकार है ना, वो यहाँ पे डेवलपमेंट करे, यहाँ के लोगों को सपोर्ट करे, यहाँ पे जितना ज़्यादा काम हो सकता है उतना काम करे। यहाँ पे कुछ काम है ही नहीं, मतलब मैं फर्स्ट टाइम आया, मुझे लगता है कि इधर कोई काम नहीं है। ये रास्ते देखो, जो रास्ते रास्ते में पड़े बीच में, जो रास्ते बीच में डैमेज पड़े हुए हैं, बताओ अभी तक रास्ते नहीं बने हैं। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ हो रही है। मैं तो इतना ही बोलूँगा कि भाई कि रास्ते अच्छे बनने चाहिए और ये सब जगहों को इतने अच्छे बनाने चाहिए कि ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। जो महिला में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद में यहाँ पर की सुविधा भी रूम नहीं है, जो बच्चा आ रहे उसके लिए पॉल भी नहीं है। और सरकार में हमें ख्वाहिश करेंगे जो जितना जो यहाँ पर है प्रॉब्लम, जितना जल्दी होगा वो पूरा करें। इस समय हम मौजूद हैं रियासी जिले के अंतर्गत आते सियाड़ बाबा धर्मस्थल पर। अब धर्मस्थल पर हम इस समय मौजूद हैं। आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हम मेरे पीछे जो है प्राकृतिक झरना जो है, जो सदियों से यहाँ पर बहता आ रहा है, लोगों की काफ़ी सारी मान्यताएं जो हैं इस झरने से जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है जो जहाँ पर बाबा जी का स्थान है, वहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर अपना हाजिरी लगाते हैं और नतमस्तक होते हैं। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी हाजिरी लगाते हैं। परंतु अगर सरकार की बात करें, सरकार यहाँ पर बिल्कुल भी जो है अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर रही है। असुविधाओं का सामना जो है श्रद्धालु जो है काफ़ी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है श्रद्धालुओं के चलने लायक जो है स्थान नहीं बचा है। बता दें कि 2014 में यहाँ पर फ्लड के दौरान काफ़ी सारा जो है ये इलाका जो है डैमेज हो चुका था, परंतु तब से लेकर अब तक के समय तक जो है सरकार ने इस स्थान की बिल्कुल भी सूझ नहीं ली है। सिर्फ दावों पे दावे किए जा रहे हैं कि जो है जल्द ही इसका जो है निर्माण कार्य लगाया जाएगा और श्रद्धालुओं को सुविधाएं दी जाएगी, परंतु 2014 से लेकर 2017 तक जो है काफ़ी समय बीत चुका है, परंतु यहां पर सुविधा जो है सुविधा का बिल्कुल भी जो नामो निशान नहीं दिख रहा है। अब देखना यह है कि सरकार कब तक जो है इन श्रद्धालुओं की सूद लेती है और इस धर्मस्थल को ऊँच स्तर पर ले जाने तक क्या जो है रणनीति अपनाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन राजपूत के साथ करणदीप सिंह, डेली एक्सेलसियर, रियासी सियाड़।